हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं शकरकंद को कैसे उबालते हैं। ये महाशिवरात्रि स्पेशल है, इसे उपवास के दिन पाया जाता है। पूरी तरह पानी में उबालने से शकरकंद का जो मिठास है वो खत्म हो जाता है। आज हम सीखेंगे इसको आसानी से कैसे उबालते हैं, जैसे इसकी मिठास भी बनी रहे। शकरकंद को उबालने के लिए हमने 3 शकरकंद ले लिया है और 1 टेबलस्पून नमक। एक बर्तन में हम पानी डाल देंगे और शकरकंद डाल के 10 मिनट तक भिगो के रखेंगे। 10 मिनट हो चुका है। 10 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे। अब देख सकते हो किस तरह से अच्छे से साफ हो चुका है। हमने शकरकंद को उबालने के लिए इडली का कुकर ले लिया है, इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी में हमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देना है और 1 इडली का प्लेट रख के हम इसके ऊपर शकरकंद रख देंगे। इस तरह से उबालने से इसकी मिठास भी बनी रहेगी और इसका कलर भी नेचुरल रहेगा एकदम। इसे ढक के हम हाई फ्लेम पे 20 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 20 मिनट हो चुका है। अब देख सकते हो हमारे शकरकंद अच्छे से उबल चुके हैं। आप इस तरह से फॉक से चेक भी कर सकते हो, अगर ये अंदर तक जा रहा है इसका मतलब ये उबल चुके हैं। शकरकंद को हम एक प्लेट में ले लेते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से उबल चुके हैं और इसका कलर भी नेचुरल है। इस तरह से उबलने से इसकी मिठास भी बनी रहती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।